पंडित जी, ये मंदिर कितना पुराना है? 23 शताब्दी। अच्छा, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोप्रो उत्तम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ दंतेवाड़ा, जो कि है दंतेश्वरी माता की पवन धरा, और मैं पूरा दर्शन कराऊंगा आपको दंतेश्वरी माता के मंदिर का। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वही है दंतेश्वरी माता का मंदिर, और ये नदी है पीछे, और नदी के तट पर ही माता का मंदिर है। तो फ्रेंड्स, मैं खड़ा हूँ अभी दंतेश्वरी मंदिर के मेन गेट पर, और यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा अभी। मंदिर के अंदर जाने से पहले पूजन सामग्री ले लेते हैं। मुझे भी दे दीजिए। क्या क्या है इसमें? बस नारियल, अगरबत्ती, पट्टी। अच्छा, तो फ्रेंड्स चलिए अभी आपको मंदिर के अंदर प्रवेश कराते हैं और दिखाते हैं कितना पौराणिक और ये आध्यात्मिक मंदिर है ये। पंडित जी, ये मंदिर कितना पुराना है? 23 शताब्दी। अच्छा, तो ये हमारे जो मंदिर के पुजारी जी हैं वो कह रहे हैं कि 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये 11वीं शताब्दी का बहुत ही पौराणिक मंदिर है, और दंतेश्वरी माता का मंदिर है ये, और ये शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है, और बहुत ही आध्यात्मिक मंदिर है। और अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो आ जाइए दंतेवाड़ा। गाइस, ये स्तंभ है मंदिर प्रांगण में, और मान्यता यह है कि अगर इसके पीछे से अगर आपने हाथों को आप छू लेते हैं, दोनों हाथों को, तो आपकी जो मनोकामना है पूरी हो जाएगी। तो मैंने भी ट्राई किया इससे, पर सफल नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, ये मंदिर जिस नदी के तट पर है वो शंकनी और डंकनी नदी का ये संगम है, आप देख सकते हैं। और कहा जाता है कि जो शंकनी और डंकनी है ये दंतेश्वरी माता के दो बहनें थी। फ्रेंड्स, ये दंतेश्वरी माता की बहन श्री भुवनेश्वरी माता का मंदिर है, और चलिए हम अंदर चलते हैं उनकी बहन की मंदिर। अभी ये मंदिर में रौनक नहीं है क्योंकि ऑफ सीजन में आए हम, ये मई महीने की गर्मी का सीज़न है, और श्रद्धालु इस महीने बहुत कम आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है माता के मंदिर के प्रांगण में स्थित गार्डन। तो फ्रेंड्स, ये है संगम, और इस तरफ जो है पानी जो है मैला है, और उस तरफ जो पानी है वो अपेक्षा साफ है, और दोनों नदियों का ये संगम है। और इसी नदी के जो तट पर माता का ये 11वीं सदी का जो मंदिर है विराजमान है।
तो फ्रेंड्स अभी हम भैरव बाबा के मंदिर की ओर बढ़ चले हैं, और इस ब्रिज को पार करने के बाद आता है भैरव बाबा का मंदिर। पहुंचने वाले हैं भैरव बाबा के मंदिर। ये लगभग 400 मीटर दूर है और मेन जो माँ दंतेश्वरी मंदिर है वहां से। गाइस ये है महादेव की शिला, और इस शिला को अगर आप अपनी तीन उंगली से उठा लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसी मान्यता है। तो मैंने भी ट्राई किया, इससे मुश्किल है बहुत कुछ में छू के, फिर अभी मैं देखता हूँ तीन उंगली से ना। मुश्किल है, नहीं होगा फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल कार्य लग रहा है उठाना ऐसे। ओह सही पकड़े हैं, ये हर कोई थोड़ी उठता है। अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स ये है भैरव बाबा, और इसके दर्शन किए बिना माता के जो दर्शन है वो अधूरा रहता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।